अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप किस तरह अपना जो अमाउंट है वो किस तरह जैज़ कैश इजी पैसा में विदड्रा ले सकते हैं। परफेक्ट मनी का जो अपना जो डॉलर है वो किस तरह जैज़ कैश इजी पैसा में विदड्रा ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये वेबसाइट आपको स्क्रीन में दिखाई होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस के मॉल। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, या आप गूगल पर USKmall.com लिखकर वहाँ से अपना इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो अकाउंट है वो बनाएंगे, यहाँ पर्सनल यूज़ करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सेलेक्ट कंट्री सिटी फ़ोन नंबर एड्रेस। जैसे ये सब कुछ हो जाएगा सही निशान पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक करके तो हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा ईजीली। मेरे पास पहले से क्रिएट है, मैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं वो डैशबोर्ड जो है ना यूएस के मॉल का आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जो डॉलर है वो डिपॉजिट करूँगा। थ्री डॉट पर क्लिक करके डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ। डिपॉजिट पर क्लिक करने के या यहाँ पी के आर पर सेलेक्ट करके या USD सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अपना जितने डॉलर हैं वो सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास $5 है तो मैं परफेक्ट मनी में सेलेक्ट पे भी यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ परफेक्ट मनी यूज़ करूँगा। यहाँ डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ इस साइड पे आ जाऊँगा। यू वाला जो अकाउंट नंबर ऐसे अकाउंट नंबर पर जैसे ही पेमेंट सेंड करूँगा तो आपको एक ट्रांजेक्शन आईडिया रिसीव हो जाएगा। ट्रांजेक्शन आईडिया यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करके यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो USD बैलेंस की शक्ल में कुछ देर बाद आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट है वो पेंडिंग में, जैसे ही वहाँ से प्रूव हो जाएगा तो हमारा जो अमाउंट है वो USD बैलेंस की शक्ल में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दो तीन चार मिनट के बाद जैसे आप यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो अमाउंट है वो USD बैलेंस की शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो $5 है वो पाकिस्तानी रुपये में जो है ना USD बैलेंस की शक्ल में आ गए। अब हम इन्हें पाकिस्तानी रुपीज़ में एक्सचेंज करेंगे। दोबारा थ्री डॉट पर क्लिक करके एक्सचेंज पर क्लिक करते हैं। एक्सचेंज पर क्लिक करने के बाद यहाँ फ्रॉम यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ 4-5 USD सेलेक्ट करेंगे। 2 की जगह पी के आर रहने देते हैं। हाँ, यहाँ हमारे जितने जो है ना डॉलर हैं वो कन्वर्ट करेंगे पी के आर में। यहाँ पर दोबारा थ्री डॉट पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो इजीली पाकिस्तानी रुपीज़ में एक्सचेंज हो जाएगा। अब हम इन्हें किस तरह विदड्रा कर सकते हैं, दोबारा थ्री डॉट पर क्लिक करके विदड्रा पर क्लिक करते हैं। विदड्रा पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पे मी, यहाँ पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना अपना जैज़ कैश यूज़ करेंगे। यहाँ अमाउंट लिखेंगे जितने अमाउंट हम जो है विदड्रा करना चाहते हैं, 1100 विदड्रा करना चाहते हैं। यहाँ पर इंटर जैज़ कैश अकाउंट नंबर लिखेंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ अकाउंट होल्ड नेम जो भी नाम है, विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। विड्रॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा थ्री डॉट पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो जो है ना पेंडिंग में है। जैसे ही वहाँ से जो है ना हमारा जो अमाउंट है वो हो जाएगा तो हमारा जो अमाउंट है वो कुछ देर बाद हमें जैज़ कैश के अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। जैसे ये रियल वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, या आप गूगल पर USKmall.com लिखकर वहाँ से इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।